दोस्तों आईपीएल साल 2022 के सीजन को लेकर जो यहां अभी नवंबर के अंदर रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट का जो ड्राफ्ट चल रहा है इसके ऊपर आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। बट मैं आप सभी को बता दूं कि रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है जिसके अंदर से केएल राहुल रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो यहां दोस्तों और सारी अपडेट्स मैं इकट्ठी करके आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी जानते हो रोज की तरह बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। बट आज टीम केकेआर की तरफ से मैं आप सभी को ये बात बताने वाला हूं कि यहां पांच बड़े रिलीज केकेआर की टीम अपने स्क्वाड में से करने वाली है और ये पांचों ही नाम बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। तो आप एक एक नाम जरूर लास्ट तक देखना, कोई भी नाम आपसे मिस ना हो जाए। खैर इंडिया के टेस्ट मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए या फिर आईपीएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए केकेआर के अलावा तो सेकंड चैनल को विजिट कर लो, टेलीग्राम पर भी अभी ज्वाइन कर लो तो ये वीडियो बहुत मजेदार होगी, स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के लिए एक मेगा स्क्वाड बनाना चाहेगा मेगा ऑक्शन के अंदर, बट उसके लिए लगेगी पर्स मनी और पर्स मनी जितने प्लेयर रिटेन करेगा उतना कम होगी। आप कमेंट करके जरूर बता दो आपके अकॉर्डिंग यहां एक टीम मैक्सिमम चार खिलाड़ी रिटेन कर सकती है तो केकेआर को कितने खिलाड़ी रिटेन करने चाहिए, एक दो तीन या चार। यहां दोस्तों ये बात का आप ध्यान रखिएगा कमेंट करते समय कि जितने भी प्लेयर टीम केकेआर रिटेन करेगी उतनी ही पर्स मनी उनकी कम होती जाएगी 90 करोड़ में से। तो खैर दोस्तों वीडियो में मैं आपको आगे लेके चलता हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं टीम केकेआर यहाँ पर पांच बड़े नाम रिवील करने वाली है, पांच बड़े रिलीज करने वाली है साल 2021 के सीजन में जो इनका स्क्वाड था उसके अंदर से। साल 2022 के सीजन के लिए जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा हाइक अभी बनी हुई है, बट यहाँ साल 2021 के अंदर पांच बड़े नाम जो केकेआर की टीम रिलीज करने वाली है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना हो उसके ध्यान में रखते हुए मैं आपको इन सभी पांचों के प्लेयर्स के शॉर्ट यहाँ पर लिस्ट आपको बताता जाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रही है केकेआर या इनका क्या परफॉर्मेंस था या जो भी शॉर्ट रीजन होगा वो मैं आपको देता चलूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर आप केकेआर के सच्चे फैन हो तो अभी के अभी आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। खैर दोस्तों बात करें अगर किन प्लेयर को रिलीज करेगी तो पहले प्लेयर का नाम निकल के आता है राहुल त्रिपाठी। अब दोस्तों राहुल त्रिपाठी वैसे बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है, इतना बड़ा नाम अभी तक आईपीएल जगत में नहीं बने हैं बट एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। लास्ट बॉल सिक्स तो इनका कौन भूल सकता है जिसने केकेआर का जीवित रखा था मैच और इसके बाद टूर्नामेंट। बट यहां दोस्तों रीबाय करने की भी बात इनकी नहीं चल रही है मैनेजमेंट के अंदर। आप कमेंट करके नीचे शेयर अपने व्यूज कर सकते हो, राहुल त्रिपाठी को रिटेन नहीं करते तो क्या रीबाय कर लेना चाहिए। अगले खिलाड़ी का नाम है नीतीश राणा। तो नो डाउट दोस्तों नीतीश राणा केकेआर के अंदर आए हैं जब से बड़ा नाम बन गया है, शायद ही केकेआर से पहले इनको आईपीएल के अंदर इतना मौका दिया गया होगा और शायद ही किसी और टीम से ये यहां पर अपना नाम बना पाए होंगे, मुंबई की टीम से जरूर खेले थे। खैर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि नीतीश राणा भी टीम से कंफर्म रूप से बाहर होने वाले हैं और शायद ही इनको टीम रीबाय भी करेगा। अगले प्लेयर का नाम है सुनील नारायण। तो अब काफी लोगों का ये मानना जरूर होगा कि सुनील नारायण अब थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि वर्ल्ड कप T20 के अंदर भी ये नहीं थे, इन्होंने खुद से अपना नाम हटा लिया था। तो इसको देखते हुए यहाँ सुनील नारायण वापस रिलीज यहाँ पे दोस्तों रिलीज हो जाएंगे, रीबाय वापस शायद ना हो पर दोस्तों रीबाय इनको केकेआर कर लेगा क्योंकि दूसरी कोई टीम शायद इनके ऊपर पैसे खर्च करेगा और ये अपनी बेस प्राइस के ऊपर भी केकेआर के अंदर आ सकते हैं। अगले प्लेयर का नाम है आंद्रे रसल। अब मैंने आपको बताया था कि शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग यहाँ पर नाम है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आंद्रे रसल का एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि यहाँ दोस्तों बातचीत चल रही है करंट फॉर्म को लेकर और अभी T10 के अंदर अभी आंद्रे रसल खेल रहे हैं, अगर आप T10 लीग फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा। लास्ट प्लेयर का नाम है ओयन मॉर्गन। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग नाम है और इसके पीछे एक ही कारण है जो हम आपको बता चुके हैं, ओयन मॉर्गन बल्लेबाजी से चल जाएंगे। बट यहाँ पर जो समस्या ये है कि जो आईपीएल साल 2022 होगा वो होने वाला है इंडिया के अंदर तो इनको रिटेन नहीं करेंगे, रिलीज कर देंगे और इसके बाद देखते हैं रीबाय करते हैं या नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दे सकते हो आप इनके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स को आप रिटेन होता हुआ देखना चाहते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।